पानीपत में एक तरफ कोरोना का खौफ तो वहीं दूसरी तरफ एनसी मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में सुविधा न उपलब्ध होने के कारण मरीजों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पानीपत के समीप एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना को कोरोना मरीजों के लिए कोविड सेंटर बनाया गया है। वहां पर किस प्रकार से मरीजों का रहन सहन और खाना पीना हो रहा है, वह देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कोरोना पीड़ित मरीजों ने बताया कि यहां पर ना तो कोरोना से बचाव की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं और एक बेड पर दो मरीजों को रखा जा रहा है, जिससे वह काफी परेशानियां झेलने को मजबूर हैं। आप भी सुनिए कोरोना मरीज की आप बीती। हमारे को समस्या है कि हमारे को प्रॉपर दवाई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। एक एक बेड पर दो दो बिछा रखे हैं, लैट्रिन बाथरूम एक है और 17 बंदे कल आए हैं जब, और 17 बंदे 8 दिन हो गए, अब उनको इकट्ठा रखा जा रहा है, बगैर टेस्ट करे यहाँ से भेजते हैं। वही उन्होंने बताया कि पहले कोरोना मरीजों को भर्ती कर लिया जाता है, उसके बाद बिना टेस्ट के बिना नेगेटिव रिपोर्ट आए कुछ दिनों बाद उसे वापस भेज दिया जाता है। वही मामले में जांच अधिकारी ने बताया कि व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है। रात के समय मरीज अत्यधिक आने के कारण व्यवस्था थोड़ी लड़खड़ा गई थी, लेकिन अब व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू है। तो कुछ बंदियों को नाराजगी भी है कि व्यवस्था हम तो इनकी देख रेख में है, नहीं कहा जा रहा कि एक बेड बेड करना पड़ता है, उनको बाकी सब बेडों की शॉर्टेज रात को लेट आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।